नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम गुरु टिप्स एंड ट्रिक्स में। रेलवे ग्रुप डी परीक्षा गणित का टॉप 10 प्रश्न डेली का ये दूसरा वीडियो। मैंने बोला था आपसे कि प्रॉमिस भी किया था कि अगर जो आपने इस वीडियो को पहले वीडियो जो मैंने कल अपलोड किया था ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दिया, ज़्यादा से ज़्यादा भरोसा, ज़्यादा लाइक किया, शेयर किया, तो मैं सेकंड वीडियो जरूर लाऊंगा और आगे भी इस सीरीज़ को कंटिन्यू रखूंगा। तो आज सेकंड वीडियो है और आप इस वीडियो को भी ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, जिससे और लोग भी देखें और लोग भी जुड़े। अगर जो आप पहली बार देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन क्लिक कर लीजिएगा, जिससे जब भी ये वीडियो अपलोड होगी आपको इस सीरीज़ की आपको उसका नोटिफिकेशन तुरंत बाय तुरंत मिल जाया करेगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट ये सीरीज चलने वाली है, जब तक चलेगा जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता। सोच लो आप कितने प्रश्नों की प्रैक्टिस कर लोगे। अभी क्वेश्चंस का लेवल को इजी हम रख रहे हैं, मॉडरेट इजी दोनों मिला के कर रहे हैं, लेकिन आगे हम थोड़ा सा हार्ड इसको करेंगे और ज्यादातर हम कोशिश कर रहे हैं कि जो प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए प्रश्न उनको इंक्लूड किया जाए। देखो, अगर जो आप रेलवे ग्रुप डी एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं, ऑनलाइन प्रैक्टिस सेट ज्वाइन नहीं किया तो परीक्षा ऐप का ऑनलाइन प्रैक्टिस सेट ज्वाइन कर सकते हैं। आरआरसी ग्रुप डी एनटीपीसी दोनों की प्रैक्टिस सेट अवेलेबल है। बाय करते समय एग्जाम जीटीटी 40 का प्रोमो कोड अप्लाई कर दीजिएगा, तुरंत आपको 40% का डिस्काउंट मिल जाएगा। आइए चलते हैं। अगर जो आप हमसे कुछ भी पूछना चाहते हैं तो हमारा इंस्टाग्राम हैंडल है सुधीर MDL, उसमें फॉलो कर सकते हैं। तो कुछ शुरू करते हैं वीडियो को। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, पहला क्वेश्चन देखिए, इसको बताइए क्या होगा इसका आंसर। 1+2+3+...++100 का योग क्या होगा? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आरआरबी भुवनेश्वर 1997 के एग्जाम में आया हुआ है, असिस्टेंट स्टेशन मास्टर के। अब स्टेशन मास्टर के एग्जाम में आया हुआ है, चलो ठीक है, ये पहले आया था लेकिन अब लेवल थोड़ा सा बढ़ गया, लेकिन ये प्रश्न आपको आना चाहिए, अभी भी ग्रुप डी के एग्जाम में आ सकता है। ठीक, स्टेशन मास्टर में आया तो ग्रुप डी में अब आ सकता है। इसका योग क्या हो, अब बताओ आप 1 से 2 3 4 5 100 तक जोड़ने नहीं बैठोगे ना, जोड़ने नहीं बैठोगे तो इसका होता है फॉर्मूला, योग बराबर होता है n n+1 n n+1/2। क्या होगा, योग बराबर होता है n n+1/2। ठीक है, तो इसमें क्या करोगे, n आपका 100 होगा, 100 पुट अप करो इस प्रकार के क्वेश्चन को, 100 100+1/2, यानी कि 100 × 101/2, 2 से ये काट दो आप, 50 बार में जाएगा, ये मल्टीप्लाई करोगे 50,050 आपका आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, 5050 आपका आंसर निकल के आएगा, ऑप्शन नंबर बी देखोगे ये राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, आगे चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। संख्या 4 5 8 9 2 6 में 8 का स्थानीय मान, संख्या क्या है 4 5 8 9 2 6 में 8 का स्थानीय मान। देखो यहाँ पे कुछ नहीं करना, स्थानीय मान निकालने का तरीका मैं बता देता हूँ, अगर जो नहीं आता तो 8 का पूछा तो 8 लिख लो, उसके आगे कितनी संख्या है, 3 संख्या, 3 0 बढ़ा दो, ऑप्शन देखोगे ऑप्शन डी। 4 का पूछा है 4 लिख लो, उसके आगे कितने अंक हैं, 1 2 3 4 5 अंक है तो 5 0 पढ़ा दो। कभी कभी पूछता है जातीय मान, जातीय मान या आंकिक मान, तो जातीय मान क्या होता है, जो 8 का पूछा तो 8 का जातीय मान 8 होगा, 4 पूछा 4 का जातीय मान 4 होगा। ठीक, ये आप ध्यान रखना, ये प्लेस वैल्यू स्थानीय मान निकालना मैंने बताया, जातीय मान निकालना मैंने बता दिया, अब आप थोड़ा सा कोशिश करना और प्रकार के प्रश्नों को लगाने की। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। 2 संख्याओं का योग 29 है, उन संख्याओं के वर्गों का अंतर 145 है, उन संख्याओं का अंतर क्या है। ठीक है, योग दिया है, वर्गों का अंतर दिया है, आपको क्या निकालना है, अंतर निकालना है। तो यहाँ पे हम मान लो माना संख्या ए व बी है, संख्या ए और बी है, दिया क्या है ये देखो, ए प्लस बी दिया कितना 29 दिया है, और क्या दिया है, वर्गों का अंतर वर्ग ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये अंतर दिया आपका कितना दिया 145। अब आपको उनका अंतर निकालना है, तो आपको पता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, एक कोष्टक में ए माइनस बी, एक कोष्टक में ए प्लस बी, एक कोष्टक में ए माइनस बी, एक कोष्टक में ए प्लस बी, ये आपका दिया है कितना हो गया 145। अब आपको क्या दिया है, ए प्लस बी 29 यहाँ रख के नीचे ले आओ, तो ए माइनस बी हो जाएगा आपका 145/29, इसको काटोगे पीटोगे आपका आ जाएगा आंसर 5। तो आपका जो अंतर निकल के आ गया संख्याओं का वो आ गया 5, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, 2 संख्याओं का लसा 63 है और उनका मसा 9 है, एक संख्या 27 तो दूसरी संख्या, इसका फॉर्मूला होता है LCM × SCF बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। ठीक, अब इसमें देखो LCM क्या दिया है 63, SCF क्या दिया है, यानी कि मास कितना दिया है 9, पहली संख्या की कितना दिया 27 गुणे दूसरी संख्या निकालना है। अब दूसरी संख्या को आप नीचे ले आओ, दूसरी संख्या को नीचे ले आओगे 27,
9 3 27 3 2 6 3 1 3 21 आपका दूसरी संख्या निकल के आएगा। कितना गया? 21 आपके दूसरी संख्या निकल के आ गया। ये इस प्रकार के प्रश्नों को आप ऐसे करोगे, इसका फॉर्मूला ही होता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, फेमस क्वेश्चन है, बार बार ये एग्जामों में पूछा जाता है। रेलवे को छोड़ दे तो अदर एग्जामों में भी पूछा जाता है। चार अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या निकाले जो 88 से विभाज्य है। तो चार अंकों की सबसे पहले आपको पता रहनी चाहिए बड़ी संख्या क्या होती है। तो चार अंकों की बड़ी संख्या की बात करें, चार अंकों की बड़ी संख्या की बात करें तो आपका 9999 होता है। तो ये आपका चार अंकों की बड़ी संख्या है जो कि इससे 88 से विभाज्य हो। तो कुछ ना करो, पहले आप 88 से इसमें भाग दे दो। तो 9 में आप 88 से भाग दो, 9 में आप 88 से भाग दोगे तो आपका कितना आएगा? ये एक बार में जाएगा 88, उसके बाद आपका बचा 11, यहाँ उतरा, फिर एक बार में जाएगा 88, फिर आपका 31 बचा, फिर 9 उतरेगा, फिर ये जाएगा आपका तीन बार में 264, शेष कितना बच रहा है इसमें से घटा तो 55। ये 55 शेष, अब यही आपको नहीं इम्पोर्टेंट है, यही निकालना है। जो शेष बचे वो इसमें से घटा दो, वही आपकी संख्या होगी चार अंकों के बड़ी से बड़ी, जो 88 से भाग देने पे पूरी तरीके से कट जाएगी। तो 9 में से 88 आप घटा दो, 88 घटाओगे तो 9 आपका हो जाएगा 9 4 4 9 9 4 4, सॉरी ये 55 घटाओगे, ये वाली संख्या घटाओगे, 9 9 4 4 आपका आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो ये इस प्रकार के प्रश्न है, तो ऐसे ही करो, कुछ नहीं करो। पहले आप चार अंकों की बड़ी संख्या जो भी आपको कह रहा है उसको देख लो, इससे भाग दे दो, जो भी आपका शेषफल है वो इसमें से घटा दो। ठीक, आगे चले नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। ये देखो ये क्या दिया है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा लग रहा है। आप देखोगे यार कैसे सॉल्व करोगे, 2002 में आया था, TC टिकट कलेक्टर वाले एग्जाम में आया था। ठीक है, यहाँ पे देखो क्वेश्चन को अगर जो आप ध्यान से देखोगे तो आपके समझ में आ जाएगा कहना क्या चाहता है। देखो यहाँ पे आप इसको इस प्रकार से लिखो, एक बार ट्राई करो, 3.5 को आप ए लिख दो, ए गुणे ए प्लस 2 6.5 को आप बी लिख दो, 2 ये ए है ये बी है, इसको तो हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, प्लस बी गुणे बी। अब देखो यहाँ से ए स्क्वायर हो गया प्लस 2AB हो गया प्लस बी स्क्वायर हो गया, ये फॉर्मूला हो गया ए प्लस बी का होल स्क्वायर का। तो सेम चीज़ ये आपका यही कर किया है, इसमें लग रहा है देखने में कितना लंबा, लेकिन a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला है। तो आपने a बराबर ये माना, b बराबर ये माना, तो वही सॉल्व करो, 3.5 प्लस 6.5 का होल स्क्वायर, इन दोनों को ऐड करोगे, 10 का स्क्वायर हो गया बराबर आपका आ गया 100। ऑप्शन देखोगे आपका ऑप्शन नंबर b आंसर निकल के आया हुआ है, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, मजा आ रहा है कि नहीं आप लोग बताते चलो। चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाती है तो खपत में कितने परसेंट की कमी करें कि खर्च में कोई परिवर्तन ना हो। तो इसका फॉर्मूला याद रखना, कमी प्रतिशत बराबर होता है कितना वृद्धि हो जा रहा है, 20% बटे उसके खपत में कितने परसेंट की कमी करें, तो कितना 20% की वृद्धि हो रहा है बटे यहाँ पे 100 प्लस जितना आपकी वृद्धि हो रही उसको ऐड करो, कूड़े 100 करो, ये आपका आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। इसको एक और तरीके से कर सकते हो, मान लो चीनी का मूल्य पहले 100 था, 20% की वृद्धि होकर 120 हो गया। ठीक है, कितना वृद्धि हुआ, 20, तो 20 यहाँ हो गया वृद्धि हुआ बटे, आपको यहाँ पे परसेंटेज में निकालना है, तो 120 आप यहाँ पे अब मान लोगे, पहले 100 CP मान रहे थे लेकिन अब यहाँ पे 120 CP मान लो, CP हमेशा नीचे होता है, प्रॉफिट लॉस जो लोग पढ़े होंगे वो जानते होंगे, इस प्रकार से भी सॉल्व कर सकते हो। लेकिन आप यहाँ पे ये सीधा आप तरीका याद रखो कि जितना भी वृद्धि हो रहा है उसको लिखो साथ में, उसको जोड़ के नीचे 100 लिख, 120 हो जाएगा गुणे 100, कुछ नहीं करना, काट भी देना, आपका आंसर निकल के आएगा 50/3, 16 सही 2/3%। वैसे अगर जो आपको परसेंटेज पढ़ते हो स्टार्टिंग में तो ये आपको याद करना, याद करा दिया जाता, मैंने भी याद कराया था जब परसेंटेज पढ़ाया था कि 10% की वृद्धि होने में कितने परसेंट की कमी होगी कि खर्च में कोई परिवर्तन ना हो, 20% की वृद्धि होने पे 25%, ये चीज़ें मैंने याद कराई थी। ठीक है, और फिर से मैं परसेंटेज अगर जो कराऊंगा पहले आपको ये याद करा दूंगा जिससे ये आपको सॉल्व ना करना पड़े। ठीक, आगे चले नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। एक घड़ी को 64 रुपये में बेचने पर 20% की हानि होती है, यदि उसे 100 रुपये में बेचे तो कितने परसेंट का लाभ होगा। यहाँ पे देखो 64 रुपये में बेचने पर 20% की हानि होती है, तो 100 - 20 कर लेते हैं यानी कि 80 हो जा रहा है। उसके बाद क्या कर रहा है, जब हम 100 रुपये में बेचे तो कितने परसेंट का लाभ होता है, यानी 100 प्लस x
इसको सॉल्व करोगे आपको आपकी एक्स की वैल्यू निकल के आ जाएगी कितनी, सॉरी ये कितने परसेंट का लाभ होगा, एक्स जब पता चलेगा तो 100 में जोड़ दोगे आपका वही आंसर हो जाएगा, 25% का समथिंग लाभ होगा, 125 ये आएगा, ठीक है। लेकिन आप एक और तरीका आजमा सकते हो, घड़ी को 20% की हानि, 20% की हानि मतलब 80 में लाभ, 80 में बेचा तब 64 रुपये में बेचा, ठीक है, 80 देखो 20% की हानि मतलब 100 - 20 80 इतने में बेचा तो इतने में बेचा, ठीक है, इतने परसेंट का, मैं फिर से समझाता हूँ मैं, ठीक है, हम जानते हैं जब हम लाभ होता है तो 100 में प्लस करके हम उसको लिखते हैं, जब हानि होता है 100 से घटा के, तो यहाँ पे हानि हो रहा है तो यहाँ पे 80 = 64 हो गया। अब अगर जो आप 100 निकालते हो तो क्या निकल के आएगा, आपका पूरा सीपी, घड़ी का सीपी कितना होता है, 100 निकाल लो आप, ठीक है, यहाँ से 80 करो, यहाँ से आप 100 से गुणा कर दो, 100 से गुणा करो, आप यहाँ से काट दोगे 8 × 8 = 64, आपका देखो कितना निकल के आ गया, 80 रुपया, 80 रुपया घड़ी का सीपी निकल के आ गया, सेलिंग प्राइस। लेकिन आप खरीद कितने में रहे हो, मेन आप खरीद कितने में रहे हो, सॉरी बेच कितने में रहे हो, 100 में, 80 में आपने खरीदा, ठीक है, 80 में आपने सीपी, 80 में आपने खरीदा और 100 में आपने बेचा, तो कितना आपको मुनाफा हो रहा है, 20 रुपये मुनाफा हो रहा है, तो 20 / CP कितना है, 80 × 100, इसको भी काट पीट देना 2 से 4, ये आपका 25% आपका यहाँ से भी आंसर निकल के आ जाएगा, ठीक है। ये कॉस्ट प्राइस होता है, एसपी मतलब सेलिंग प्राइस होता है, कॉस्ट प्राइस में कितने में खरीदा कितने में बेचा, ठीक है, इतना दिया है तो आप 100% निकाल के हमेशा कॉस्ट प्राइस निकाल सकते हो। आगे चले नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, 30,000 रुपये को ABC में 3 अनुपात 5 अनुपात 7 के अनुपात में बांटा गया तो सी की रकम क्या होगी, तो आप इसमें मान लो ABC यानी कि ए की रकम 3x मान लो, बी की रकम 5x मान लो, सी की रकम 7x मान लो, तीनों को ऐड करो, 7 × 5 = 12, 12 × 3 = 15, 15x = 30,000, तो x बराबर कितना हो गया 2000 हो, x = 2000 हो गया, 15 से डिवाइड करोगे 2000 हो जाएगा, तो इसमें c की रकम पूछा, c की रकम 7x यानी 7 × 14, 14000 आपकी आंसर हो जाएगी, 14000 आंसर हो जाएगी। अगर जो b की पूछता तो 5 × 10000 और c की a की पूछता तो 3 × 6000, ये आपका आंसर निकल के आ जाएगा, ठीक। आगे चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ये वाला क्वेश्चन देखो, एक चिड़ियाघर में कुछ कबूतर हैं वो कुछ खरगोश हैं, ठीक है, तो यदि सिरों की संख्या 200, पैरों की संख्या 580 है तो वहाँ पर कितने कबूतर, ध्यान रखो यहाँ पे एक ही फॉर्मूला याद रखना, 4 पैर वाले जानवरों की संख्या बराबर पैरों की संख्या बटे 2 - सिरों की संख्या, ये आप याद रखना, सिरों की संख्या, ये इससे आप दोनों याद कर दो, दोनों निकाल लोगे, चाहे 4 पैर वाले जानवर चाहे 2 पैर वाले जानवर, पहले पूछा है याद रखना, 4 पैर वाले जानवरों की संख्या पैरों की संख्या बटे 2 - सिरों की संख्या, पैरों की संख्या 580 बटे 2 - सिरों की संख्या 200, 580 बटे 2 कितना हो जाएगा 290 हो जाएगा, ये 290 में से 2 घटा दोगे, 290 में से 200 घटाओगे तो 90 आ गया, 90 क्या आ गया, 4 पैर वाले जानवर, कबूतर खरगोश में 4 पैर कौन है, खरगोश है, खरगोश 90 हैं तो कबूतर कितने होंगे, चूंकि 200 सिर हैं टोटल, तो खरगोश के 90 सिर हो गए, सिर कितने बचेंगे 110 क्या होंगे, कबूतर पूछा है तो 110 कबूतर हो जाएंगे, 90 आपके खरगोश हो जाएंगे, तो 110 आपका आंसर निकल के आएगा। तो दोस्तों ये था टॉप 10 प्रश्न की दूसरी वीडियो, आगे आपकी ये सीरीज कंटिन्यू रहेगी, आशा आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, थोड़ा सा भी कहीं डाउट हो तो पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में बेझिझक, और आप इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिएगा, जो किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो मैं वहाँ से पूछ लीजिएगा, मैसेज करके मैं आपको वहाँ से सॉल्व करके आपको बता दूंगा, आशा है। तो चलिए से वीडियो को लाइक करो, शेयर करना मत भूलना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद दोस्तों, जय भारत।